Hey lovelies, how are you all? I hope you all are great and fine. In today's video, I'm going to share my reviews on mini soap brushes. Recently, मैंने परचेज किए हैं एंड एक एक करके सारे ब्रशेज आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं. इफ़ यू न्यू टू माई चैनल एंड इफ यू सी दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इफ दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन बिलो एंड लेट्स क्विकली डाइव इन टू द वीडियो. So I got these beautiful brushes from Amazon. I got it for 500 only and मैंने actually किसी की वीडियो देखी थी and reviews भी काफ़ी अच्छे देखे थे इसके, so reasonable भी थे. साथ ही साथ Miniso के brushes भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनकी quality काफ़ी अच्छी होती है and ये बहुत ही soft होते हैं, तो मुझे लगा शायद मुझे try करना चाहिए एक बार, क्योंकि मुझे eye brushes भी चाहिए थे and इसमें आपको काफ़ी eye brushes मिल जाते हैं. और रही बात फेस ब्रशेस की, तो मेरे पास फेस ब्रशेस थे तो इसीलिए मैंने ये परचेस किए एंड इसका प्राइस 500 ही रहता है, मतलब कभी डिस्काउंट में नहीं जाता है. ऑब्वियसली इतने सारे ब्रशेस आपको 500 में मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. यहाँ पे आपको 12 का सेट मिल जाता है एंड पीछे यहाँ पे सारे इसके यूसेज वगैरह दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ब्रश क्या काम करता है. बट मैंने मतलब कुछ लोगों की वीडियो देखी, एक दो लोगों की मैंने वीडियोस देखी, वो ये बोल रहे थे कि हर ब्रशेस में नाम लिखा हुआ है कि कौन सा ब्रश कौन सा है, लाइक दिस इज़ पाउडर ब्रश, दिस इज फैन ब्रश, दिस इज लाइनर ब्रश, बट इन ब्रशेस में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है. आई डोंट नो, मेरी किस्मत ख़राब है, ये क्या होता है. सब अमेज़ोन से मंगाते हैं, मैंने भी अमेज़ोन से ही मंगाया था. कौन सा ब्रश पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए है वो नहीं लिखा हुआ है. अदर देन दैट दे आर सो यूज़फुल एंड सो सॉफ्ट. आपको ऐसे प्लास्टिक की पैकेजिंग मिल जाती है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, ऐसा करके आप अपने ब्रशेस को बाहर निकाल सकते हो. तो आपको ऐसे पैकेजिंग में आपको ब्रशेस मिल जाएंगे. ओके, सो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ. दिस वन इज़ अ वेरी सॉफ्ट ब्रश एंड इट कैन बी यूज फॉर पाउडर ब्रश एंड ब्लश, कंटूर एंड पूरा फेस सेट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसका जो ये हैंडल है ये भी काफ़ी स्टडी है. एंड इसमें ब्रश लिखने की बजाय, मैं आपको बोल रही थी ना इसमें ब्रशेज नहीं लिखे हुए हैं, पर्टिकुलर ब्रशेज कौन सा है, लाइक ये पाउडर ब्रश है तो इसमें लिखा हुआ नहीं है पाउडर ब्रश, लिखा है मेड इन चाइना और सब में मेड इन चाइना लिखा है. अदर देन दैट ये काफ़ी ही यूजफुल ब्रशेज. अगर आप बिगिनर्स हो एंड आपको ऐसा ब्रश सेट चाहिए जिसमें सारे ब्रशेज अवेलेबल हो, तो आप ये वाला सेट डेफिनेटली ले सकते हो एंड ये रीजनेबल भी है एंड इसकी क्वालिटी भी अच्छी है. फर्स्ट ब्रश तो हो गया आपका पाउडर ब्रश. सेकेंड वन इज दिस वन, दिस इज़ अ आई शेडो ब्रश, इट इज़ अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश. तो आप इससे यहाँ पे अपने आई शेडो को सेट कर सकते हो एंड ब्लेंड कर सकते हो. थर्ड वन इज दिस वन, दिस इज़ अ बिग ब्लेंडिंग आई शेडो ब्रश. हाँ, तो इससे आप अपने आउट ऑफ एरिया में ब्लेंड कर सकते हो. सो यस, ये आई शेडो का ही ब्रश है. नेक्स्ट इज ये एक्चुअली फ्लैट ब्रश है एंड ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसकी हेल्प से आप अपनी आईब्रो सेट कर सकते हो एंड लाइनर यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो. आई डोंट थिंक सो, इसका काफ़ी और यूज़ है. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज दिस वन, दिस ऑल्सो अ फ्लैट ब्रश बट इसका शेप ऊपर से थोड़ा सा अलग है. इसे आप अपने नोज को कॉन्ट्रोल कर सकते हो, इसमें क्रीजिंग कर सकते हो, प्राइमर अप्लाई कर सकते हो, कंसीलर अप्लाई कर सकते हो. ओके, आर सिक्स ब्रश इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट ब्रश एंड ये एक साइड से एंगुलर है, सो अगेन ये आपके नोज कंट्रोल के काम आ सकता है, क्रीजिंग के काम आ सकता है एंड कंसीलर अप्लाई करने के काम आ सकता है एंड ब्लेंड करने के काम आ सकता है. नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज अ स्मॉल ब्रश बट इट्स नॉट अ ब्लेंडिंग ब्रश, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे स्टिफ जैसा जैसा होता है ना ब्रश वैसा ही है, तो ये सिर्फ आपको कोई कलर आपको पिक करके अप्लाई करना है उस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है, बट ये इट्स नॉट अ ब्लेंडिंग ब्रश, ब्लेंडिंग के काम नहीं आएगा. बहुत ही स्मॉल ब्रश है ये वाला ब्रश, मुझे चाहिए था एक्चुअली, बट मुझे ये लगा था ये ब्लेंड भी हो जाएगा, बट इससे मैंने अप्लाई किया था तो सिर्फ आप पिक करके यहाँ पर सिर्फ ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप इस वाले ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो. दिस इज़ अ स्मॉल फ्लैट ब्रश. एक्चुअली ना ये बहुत ही यूजफुल सेट है, आइज़ के डिटेल में मतलब सारे ब्रशेज मिल रहे हैं, पूरे डिटेल ब्रशेज मिल रहे हैं. ये स्मॉल फ्लैट ब्रश है, इसके हेल्प से आप ना लोअर लैशेज पे अपना यहाँ पे ऐसा करके अप्लाई कर सकते हो आई शेडो.
या फिर आपको हल्का सा यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपना आई शेडो अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल साइड साइड पे, ठीक है। साथ ही साथ आप ना इससे शिमर अप्लाई कर सकते हो, ऐसे करके शिमर अप्लाई करने के काम आ सकता है। हाइलाइटर भी लगा सकते हो यहाँ पे अपने ब्राउ बोन में। सो यस, दिस इज़ अ वेरी गुड स्मॉल ब्रश, मुझे चाहिए था ये। ओके, सो नेक्स्ट इज़ आर लाइनर ब्रश। ये एक्चुअली इसका शेप ही ऐसा होता है, सो आप इससे ना अपने लाइनर लगा सकते हो, कलरफुल लाइनर इससे अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत ईजीली इससे लाइनर ड्रॉ होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला है कि हेल्प से आप बहुत ही थिन लाइनर अगर आपको अप्लाई करनी तो कर सकते हो। थर्ड लास्ट ब्रश इज दिस वन, दिस इज़ अ फैन ब्रश। एंड ये मतलब ऐसा नहीं है कि पतला सा है, काफ़ी सारे ब्रिसल्स हैं इसमें। एंड इसके हेल्प से आप अपने हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली हाइलाइटर ब्रश ही है पर्टिकुलर, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, इसके हेल्प से वो भी कर सकते हो। मैं कभी करती नहीं हूँ बट काफ़ी लोग करते हैं। नेक्स्ट इज़ एंगुलर फ्लैट ब्रश। एंड इसको बेसिकली हम लाइनर के लिए यूज़ करते हैं, लाइनर लगाने के लिए यूज़ कर लिया, या फिर ब्राउ फिल करने के लिए यूज़ कर लिया, इसको ब्राउ फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इसके ब्रिसल्स काफ़ी मतलब ऐसे हैं अच्छे। लास्ट ब्रश इज़ दिस स्पूली, थोड़ा सा एंगुलर है, इसके हेल्प से आप ऐसे ब्राउज अपनी ब्रश कर सकते हो। ये बेसिकली ब्राउ ब्रश करने के लिए ही है। सो दिस इज़ आर लास्ट ब्रश। अगर रिकमेंडेशन की बात आई तो आई डेफिनेटली गोना रिकमेंड दिस वन, बिकॉज आपको इसमें आई ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, काफ़ी यूजफुल मिल जाते हैं। एंड रही बात फेस ब्रश की, तो ये काफ़ी मल्टी टास्कर ब्रश है ये वाला, इसके हेल्प से आप काफ़ी काम कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। एंड बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेज हैं, ऐसे नहीं कि आपको पोक करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं। डेफिनेटली लीजिए आप, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन बिलो। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाई।